हेलो गाइस, आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप कोई भी स्मार्ट वॉच को कैसे लेक्सिस फिट ऐप से कनेक्ट करोगे। तो गाइस, आप लेक्सिस फिट ऐप से कोई भी स्मार्ट वॉच कनेक्ट कर सकते हो, जैसे कि i9 अल्ट्रा मैक्स या कोई भी वॉच। तो आपको प्ले स्टोर पर जाना है और यहाँ सर्च करना है लेक्सिस। तो यहाँ पहले मैं सर्च करूँगा लेक्सिस। तो अगर आपने सिर्फ लेक्सिस फिट सर्च किया तो आप देखोगे तो यहाँ एक अलग ऐप आएगा। तो आपको ये ऐप इंस्टॉल नहीं करना है, क्योंकि ये कोई भी स्मार्ट वॉच से कनेक्ट नहीं होता है। आपको इंस्टॉल करना है लेक्सिस फिट प्रो ऐप। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको लेक्सिस फिट प्रो ऐप सर्च करना है। प्रो ऐप अलग है और लेक्सिस फिट ऐप अलग है। तो कोई भी स्मार्ट वॉच लेक्सिस फिट ऐप से नहीं कनेक्ट होती है, लेक्सिस फिट प्रो ऐप से कनेक्ट होती है। तो लेक्सिस फिट प्रो ऐप मैंने अपने फ़ोन में इंस्टॉल कर लिया है। तो अब आप देखोगे तो यहाँ मैंने लेक्सिस फिट प्रो ऐप इंस्टॉल किया है। तो मैं इसको ओपन करके दिखा देता हूँ। सबसे पहले आपको नोटिफिकेशंस को अलाउ करना है, टर्म्स एंड कंडीशंस को आपको एग्री कर लेना है। तो यहाँ आपको लेक्सिस फिट प्रो का सबसे पहले लोगो देखने मिलता है। लोकेशन को वाइल यूजिंग द ऐप पे क्लिक करना है। फिर देखोगे तो आपको स्टेप्स, हार्ट रेट, ब्लड प्रेशर, स्लीपिंग, ये सब देखने मिलता है। डिवाइस पे आप वॉच को सेट कर सकते हो। मोशंस में आप जैसे ही ओपन करोगे आपकी सिटी का मैप खुल जाएगा। जब भी आप वर्कआउट करते हो तो पूरा मैप से आपको शो होगा और माइंड में आपको आपकी लेक्सिस फिट प्रो ऐप की प्रोफाइल दिखेगी। तो यहाँ सेट से आप वॉच को कनेक्ट कर सकते हो। आपको यहाँ गो ब्लेंड पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको यहाँ वॉच को फाइंड करने के लिए अलाउ कर देना है। फिर आपको अपने फ़ोन में ब्लूटूथ और लोकेशन ऑन करना पड़ता है। तो ब्लूटूथ और लोकेशन आप ऑन कर लेना, उसके बाद मैं यहाँ वापस बैक कर लेता हूँ एक बार। तो अब यहाँ से मैं वॉच को फाइंड करूँगा। तो अब वॉच सर्च हो रही है। तो जब भी वॉच सर्च होगी आपको एक बात का ध्यान रखना है कि वॉच का डिस्प्ले ऑन रखना है और इसको रिफ्रेश करना है। तो यहाँ आपको सिर्फ वॉच लिख के आएगा, तो आपको वॉच से पेयर करना है। वॉच से आप जैसे कनेक्ट करोगे तो चारों ऑप्शन कनेक्ट होने के बाद ही वॉच कनेक्ट होती है। पहला ऑप्शन कनेक्ट हो चुका है, दूसरे ऑप्शन में वॉच में टाइम सेट होता है, तो यहाँ टाइम भी सेट हो चुका है और फिर ये दोनों ऑप्शन से वॉच कनेक्ट हो जाती है। तो ऊपर लिख के आ चुका है कनेक्टेड और लेक्सिस फिट प्रो ऐप अब कनेक्ट हो चुका है वॉच से। अब गाइज, आपको सबसे पहले वॉच को फाइंड करना है ये चेक करने के लिए वॉच कनेक्ट हुई या नहीं। जैसे ही आप फाइंड करोगे आपके श्योर हो जाएगा वॉच कनेक्टेड है। फर्स्ट ऑप्शन जो इसमें आता है वो है मैसेज पुश। मैसेज पुश में आप व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक, हर एक ऐप के मैसेजेस गेट कर सकते हो। आपको बस करना ये कि आप व्हाट्सएप को जैसे ऑन करना है, ऑन पे आप जैसे ही क्लिक करोगे ओपन का ऑप्शन आएगा। ओपन के ऑप्शन में आप जाओगे तो नोटिफिकेशन एक्सेस लिख के आएगा। नोटिफिकेशन एक्सेस में आपको लेक्सिस फिट प्रो ऐप को सर्च करना है। तो यहाँ लेक्सिस फिट प्रो ऐप आएगा, आपको इसको नोटिफिकेशन एक्सेस के लिए अलाउ करना है। जी, जैसे ही आप इसको अलाउ करते हो फिर आपको वापस लेक्सिस फिट ऐप में जाना है और आप मैं यहाँ से व्हाट्सएप को ऑन कर पाऊँगा। तो व्हाट्सएप ऑन हो चुका है। तो अब व्हाट्सएप की कोई भी नोटिफिकेशन आपको ये ऐप के थ्रू अपनी वॉच में मिलेगी। मैं आपको एक मैसेज भी सेंड करके दिखा देता हूँ। तो यहाँ मैंने व्हाट्सएप पे मैसेज सेंड किया है, तो आपको यहाँ मैसेज भी आ चुका है। तो आप यहाँ से कोई भी मैसेज सेंड कर सकते हो। अब सपोज मैंने यहाँ से कोई एक एमोजी भेजी है, जैसे कि मैंने ये वाली एमोजी सेंड की है, तो यहाँ एमोजी आएगी पर वॉच में रीड नहीं होती है। तो वॉच कोई भी एमोजीज रीड नहीं करती है। मैसेज पुश में आपको अगर आप देखोगे तो यहाँ आपको इंस्टाग्राम, फेसबुक, सारे ऐप्स के मैसेजेस आप ऑन कर सकते हो। मैसेज पुश में आपको स्टेप्स फॉलो करने, अलार्म ऐड कर सकते हो, यहाँ से आप अलार्म ऐड कर सकते हो, कोई भी टाइम का सेटिंग रिमाइंडर ऐड कर सकते हो। फिर यहाँ आपको रिमोट शूट मेथड मिल जाता है, इसमें आप फोटोज क्लिक कर सकते हो वॉच के थ्रू। आपको बस ये ओपन करना है तो यहाँ कैमरा ओपन हो जाता है। फिर अगर मैंने इसकी फोटो क्लिक करनी है तो आपको बस ऐसे स्टार्ट पे क्लिक करना है, तो यहाँ काउंटडाउन स्टार्ट हो जाता है और फोटो क्लिक हो जाती है और आप देखोगे तो यहाँ गैलरी में फोटो सेव भी हो जाएगी। फिर यहाँ आपको एक और मेन फीचर मिलता है जो कि काफ़ी अच्छा फीचर है, राइज टू वेकअप डिस्प्ले। ये फीचर में होता ये कि अगर आपने वॉच का डिस्प्ले अगर आपकी ऑफ है और आपने वॉच का डिस्प्ले बस ऊपर ले लिया ऐसे वेयर करने के बाद, तो वॉच का डिस्प्ले ऑटोमेटिकली ऑन हो जाता है। इसमें आपको वॉच का बटन हाथ लगाने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। ये फीचर मेरे को काफ़ी अच्छा लगता है। फिर यहाँ से आप कॉन्टैक्ट्स ऐड कर सकते हो, आप कॉलिंग भी कर सकते हो वॉच में कॉन्टैक्ट्स ऐड करने के बाद। अब मैं आपको बताता हूँ मेन फीचर जो है डायल सेटिंग्स। डायल सेटिंग्स में आप वॉच में कोई भी फोटो लगा सकते हो। डायल सेटिंग्स के लिए आपको एक बात का ध्यान रखना है कि नेट ऑन रखना ज़रूरी है। नेट ऑन नहीं रखोगे तो डायल सेटिंग्स लोड नहीं हो पाएगी। तो यहाँ आपको अलग अलग डायल सेटिंग्स मिल जाती है। तो यहाँ सारे वॉच फेसेस लोड हो चुके हैं, पॉइंट डायल, मैकेनिकल डायल, डिजिटल डायल।
अलग अलग कैटेगरीज है। मैं हॉलीडे टाइप पर अगर मैं क्लिक करूंगा तो यहाँ सिर्फ आपको हॉलीडे की फोटोज देखने मिलेगी, हॉलीडे से रिलेटेड है आपको सारी फोटोज देखने मिलेगी। पॉइंट में पॉइंट से रिलेटेड यहाँ डिजिटल डायल में आपको सारी फोटोज देखने मिलेगी। तो गाइज मैं आपको यहाँ से ये वाली फोटो सेट करके दिखा देता हूँ, आपको बस फोटो पे क्लिक करना है, लोड हो रही है इसका मतलब ये डाउनलोड हो रही है, उसके बाद आपको गॉट इट पे क्लिक करना पड़ता है तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाती है। लोड हो रही है इसका मतलब डाउनलोड हो रही है, अब गॉट इट पे क्लिक करना है तो ये अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगी। फिर आप देखोगे तो ये अपलोड हो रही है, और आपको एक और बात का ध्यान रखना है कि जब भी अपलोड हो आपको वॉच को डिस्कनेक्ट नहीं करना है, नहीं ऐप को एग्जिट करना है, नहीं तो आपकी वॉच का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा। तो गाइस जैसी फोटो सेट होती है वॉच रीस्टार्ट होती है, अब वॉच रीस्टार्ट हो चुकी है तो आप ऐसी कोई भी फोटो सेट कर सकते हो। अब मैं आपको बताऊंगा कि आप अपनी खुद की फोटो कैसे लगाओगे कस्टम वॉच फेस। तो यहाँ आपको एक ऑप्शन मिलेगा कस्टम डायल, तो कस्टम डायल में आपको अलग वॉच फेसेस देखने मिलते हैं, तो यहाँ के वॉच फेस आपको अलग देखने मिलेंगे, आप ये भी इंस्टॉल कर सकते हो। और अगर आपको ये इंस्टॉल नहीं करना है तो आपको कोई भी रैंडम वॉच फेस पे क्लिक करना है, कोई भी वॉच फेस पे आप क्लिक कर सकते हो। फिर ये लोड होगा, लोड होने के बाद ये खुल जाएगा। अब आप देखोगे तो यहाँ खुल चुका है। फिर यहाँ आपको एक सिलेक्ट इमेज का ऑप्शन मिलेगा, जैसे आप सिलेक्ट इमेज पर क्लिक करोगे आपकी गैलरी ओपन हो जाएगी। तो यहाँ से मैंने गैलरी में से ये वाली फोटो ले ली है, पर आप थोड़ी डार्क फोटो लेना, मैं भी डार्क ही फोटो ले लेता हूँ। तो यहाँ से मैं ये वाली फोटो सिलेक्ट कर लेता हूँ। तो डार्क फोटो मैंने इसलिए ली है क्योंकि इसकी जो क्लॉक का कलर है वो वाइट है, और आप ये कलर चेंज नहीं कर सकते हो, तो अगर आप वाइट फोटो लेते हो तो क्लॉक दिखती नहीं, इसलिए मैंने डार्क फोटो ली है। इंस्टॉल पर क्लिक करना है, इंस्टॉल पर जैसे क्लिक करोगे गॉट इट पर क्लिक करना है, फिर वॉच फेस अपलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ मैंने गॉट इट पर क्लिक कर लिया है, तो यहाँ फोटो सेट हो चुकी है। फोटो थोड़ी आपको डार्क दिख रही होगी क्योंकि मैंने डार्क ही सेट किया, ताकि लाइट फोटो में आपको क्लॉक नहीं दिखेगी, तो आप भी डार्क ही सेट करना। कोई भी फोटो लगा सकते हो कस्टम वॉच फेस में आप। उसके बाद यहाँ नेक्स्ट फीचर की बात करूँगा तो आप यहाँ से वॉच को रीसेट कर सकते हो ऐप के थ्रू, पर आप करना मत, क्योंकि अगर आप ऐप के थ्रू रीसेट करोगे तो आपकी वॉच का सॉफ्टवेयर करप्ट हो जाएगा, क्योंकि मेरी एक वॉच का सॉफ्टवेयर करप्ट हो गया था। रिमूव कर सकते हो वॉच को अदर सेटिंग्स में, वाइब्रेशन सेटिंग्स का ऑप्शन मिलता है, आप वॉच में वाइब्रेशन टर्न ऑन या टर्न ऑफ कर सकते हो। फिर यहाँ आपको OTA अपडेट का ऑप्शन मिलता है, जो कि वॉच का सॉफ्टवेयर अपडेट होने का ऑप्शन है, पर वॉच का सॉफ्टवेयर का अपडेट कभी भी नहीं आता है, तो ये ऑप्शन कभी वर्क ही नहीं करता है। होम पेज में आपको स्टेप्स काउंट अपडेट हो जाता है, पर मैंने स्टेप लिए नहीं है इसलिए अपडेट नहीं हुआ है। तो गाइज ये थे पूरे फीचर Lexus Fit Pro ऐप के। तो अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब करो, बेल आइकन को प्रेस करो लेटेस्ट नोटिफिकेशन के लिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग, प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्रेस द बेल आइकॉन for latest notification. Thank you.